त्योहारी सीजन पर सोने की खरीद में तेजी देखने को मिलती है। ऐसे मौके पर सोने के सिक्के, आभूषण और मोतियों की मांग में जबरदस्त उछाल आ जाती है। सोने के खरीदने में आम लोग दिवाली के मौके पर खास दिलचस्पी दिखाने लग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन गोल्ड खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन करोड़ों लोग सोना या चांदी खरीदकर अपने घर में लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर सोने की कीमत तय कैसे होती है? तो आप में से कई लोगों का जवाब होगा नहीं, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आखिर बाजार में सोने की कीमत कैसे तय की जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, सोने की कीमतें हर रोज बदलती रहती हैं। ये बदलाव काफी हद तक बाजार में इस कीमती धातु की मांग और आपूर्ति के अनुपात पर निर्भर करता है। मांग और आपूर्ति ही सोने के इस बाजार की पूरी ABCD को बयां करता है। दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि मांग और आपूर्ति सोने की कीमतें तय करने का एक अहम कारण होता है। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट में इसकी मांग ज्यादा होगी और आपूर्ति कम होगी, तब इसके दाम में हाल आ जाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी सोने की कीमतें तय करने के लिए एक संचालन और प्रशासनिक इकाई होती है, जो कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। साल 2015 के पहले लंदन गोल्ड फिक्स सोने की नियामक इकाई थी, लेकिन साल 2015 के बाद एक नई इकाई का गठन हुआ। इस नई इकाई का नाम लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है और इसे ICI बैंक एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। यह संगठन दुनिया के तमाम देशों की सरकार से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से यह तय करता है कि सोने की कीमत क्या होनी चाहिए। वहीं अगर हम भारत में गोल्ड की बात करें तो भारत में सोने के भाव मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज तय करता है। यह संगठन भारतीय बाजार में मांग आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बाजार की स्थिति, मुद्रा स्फीति या अस्फीति को मद्देनजर रखते हुए ऐसा करता है। साथ थिया इसके लिए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के साथ सामंजस्य भी रखता है। लेकिन अनौपचारिक रूप से दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि हर देश में गोल्ड के रेट को फिक्स करने के लिए एक एसोसिएशन बनाया जाता है। ये सोने के वायदा बाजार और हाजिर बाजार दोनों की कीमतें तय करता है। भारत में सोने की कीमतें दो तरह से तय होती है। पहला है वायदा बाजार यानी फ्यूचर मार्केट और दूसरा है हाजिर सराफा यानी की स्पॉट प्राइस। दोनों कीमतें अलग अलग होती हैं। आम उपभोक्ताओं का वास्ता स्पॉट प्राइस से पड़ता है। फ्यूचर प्राइस वायदा बाजार पूरी तरह से कारोबारियों के लिए होता है। यहीं पर सोने में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दोस्तों, यहीं पर गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी की एक मुख्य कारण इसराइल और फिलिस्तीन के बीच भू राजनीतिक तनाव है। देश में चल रहे तनाव के क्रूड ऑयल और गोल्ड की कीमतों को भी प्रभावित किया है। अब वार एरिया में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी देश कार्य कर रहे हैं। दोनों देशों में चल रहे तनाव के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड सिल्वर जैसे धातु का संबंध युद्ध से होता है। जब विश्व में लड़ाई जैसी परिस्थिति नहीं होती है तो निवेशक बाजार में ज्यादा निवेश करते हैं। ऐसे में वह अच्छे रिटर्न का लाभ पा लेते हैं, वह बाकी एसेट की तुलना में ज्यादा रिटर्न पाते हैं। वहीं युद्ध जैसे हालात में शेयर बाजार पर नकारात्मक असर पड़ता है। युद्ध के हालात को देखते हुए निवेशक शेयर बाजार में कम निवेश करता है, वह गोल्ड सिल्वर में निवेश करना शुरू कर देते हैं। इन धातु को सबसे सुरक्षित माना जाता है। अगर किसी निवेशक को स्टॉक मार्केट में जोखिम का सामना करना पड़ता है तो वह गोल्ड और सिल्वर के इकाई भरपाई कर सकते हैं। एक यह भी वजह है जिसके कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। और आज का सबसे आखिरी कारण यह है कि भारत इन मेटल का सबसे बड़ा उत्पादक है। फेस्टिवल सीजन में गोल्ड या सिल्वर खरीदना शुभ माना जाता है, जो कि नवरात्रि से दिवाली तक होता है।
इस मौके पे ज्यादा से ज्यादा लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि मांग और आपूर्ति ही गोल्ड के इस बाजार की पूरी ABCD तय करता है। दोस्तों तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ नया जाना होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो गोल्ड के शौकीन हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए चलते हैं दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।